दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई जवान मूवी के कास्टिंग एक्टर की सैलरी के बारे में, या यूं कहें कि एक्टर्स ने इस मूवी में काम करने के लिए कितना पैसा चार्ज किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, और लास्ट में मैं इस मूवी का टोटल बजट और कलेक्शन भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, और चैनल पर ना हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। नंबर 9 नयनतारा, जिन्होंने मूवी में नर्मदा राय राठौर का किरदार निभाया है। नयनतारा प्रोफेशन से एक्ट्रेस, मॉडल और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और 2023 के हिसाब से नयनतारा 38 साल की हो चुकी हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर 8 दीपिका पादुकोण, जिन्होंने मूवी में ऐश्वर्या राठौर का किरदार निभाया है। दीपिका पादुकोण प्रोफेशन से एक्ट्रेस और फैशन मॉडल है, और 2023 के हिसाब से दीपिका 37 साल की हो चुकी है, और रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका पादुकोण ने इस मूवी में काम करने के लिए 20-30 करोड़ रुपए चार्ज किया है। नंबर 7 सुनील ग्रोवर, जिन्होंने मूवी में ईरानी का किरदार निभाया है। सुनील ग्रोवर प्रोफेशन से एक्टर, कॉमेडियन और बिजनेसमैन है, और 2023 के हिसाब से सुनील 46 साल के हो चुके हैं, और इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 75 लाख रुपए चार्ज किए हैं। नंबर 6 सनाया मल्होत्रा, जिन्होंने मूवी में डॉक्टर इराम का किरदार निभाया है। सनाया प्रोफेशन से एक्ट्रेस और मॉडल है, और 2023 के हिसाब से सनाया 31 साल की हो चुकी है, और सनाया ने इस मूवी में काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज किया है। नंबर 5 प्रिया मानी, जिन्होंने मूवी में लक्ष्मी का किरदार निभाया है। प्रिया मानी प्रोफेशन से एक्ट्रेस और मॉडल हैं, और 2023 के हिसाब से प्रिया मानी 39 साल की हो चुकी हैं, और प्रिया मानी ने इस मूवी में काम करने के लिए 1-2 करोड़ रुपए चार्ज किया है। नंबर 4 योगी बाबू, जिन्होंने मूवी में पप्पू का किरदार निभाया है। योगी बाबू प्रोफेशन से एक्टर और कॉमेडियन है, और 2023 के हिसाब से योगी बाबू 38 साल के हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 35 लाख रुपए चार्ज किया है। नंबर 3 संजय दत्त, जिन्होंने मूवी में मधुबन नायक का किरदार निभाया है। संजय दत्त प्रोफेशन से एक एक्टर हैं, और 2023 के हिसाब से संजय दत्त 64 साल के हो चुके हैं, और इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए अप्रोक्स 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर 2 विजय सेतुपति, जिन्होंने इस मूवी में काली का किरदार निभाया है। विजय सेतुपति प्रोफेशन से एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, और 2023 के हिसाब से विजय सेतुपति 45 साल के हो चुके हैं, और विजय सेतुपति ने इस मूवी में काम करने के लिए 21 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर 1 और लास्ट जो एक्टर है वो है शाहरुख खान, जिन्होंने इस मूवी में विक्रम राठौर का किरदार निभाया है। शाहरुख खान प्रोफेशन से एक्टर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन हैं, और 2023 के हिसाब से शाहरुख खान 57 साल के हो चुके हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने इस मूवी में काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। और दोस्तों बात करें जवान मूवी का टोटल बजट की, तो इस मूवी का बजट 300 करोड़ रुपए है, और इस मूवी ने फर्स्ट 3 डेज में 384 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अभी तक जवान मूवी देखी है नहीं देखी है, और चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। मिलेंगे आपसे कौन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।